फरीदाबाद के पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस सेक्टर 16A में जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद के युवा जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा द्वारा जिले की युवा कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें पवन शर्मा, उपेंद्र चीमा, रंजीत ठाकुर और लोकेंद्र कालीराम को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। पंकज शर्मा को प्रचार सचिव व ब्रजेश शर्मा को प्रधान महासचिव नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी में 10 महासचिव बनाए गए, जिसमें बोनी ठाकुर, सौरभ चौधरी, तारिक तंवर, रूप सिंह, वरुण गुप्ता, मनमोहन शर्मा, उदित चावला, आकाश गांधी, आशीष सिसोदिया व संजय डागर नियुक्त हुए। इसके अलावा जिला कार्यकारिणी में 17 संगठन सचिव और 7 सह सचिव भी बनाए गए हैं। जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा ने कहा कि आने वाले समय में फरीदाबाद युवा जजपा बूथ लेवल तक कार्यकारिणी बनाएगी और जननायक जनता पार्टी व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा जनहित में हो रहे कार्यों को फरीदाबाद के जन जन तक ले जाने का काम करेगी। मेरा नाम नलिन हुड्डा है जी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ युवा जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद। प्रेस वार्ता में हमारी जो जिले की कार्यकारिणी जो कुछ समय से अभी पेंडिंग थी, उसको घोषणा करने के लिए हमने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। 40 नियुक्तियाँ आज कार्यकारिणी में करी गई हैं, जिसमें हमारे उपाध्यक्ष से लेके प्रधान महासचिव, प्रचार सचिव, उसके बाद नॉर्मल महासचिव, संगठन सचिव और सह संगठन सचिव को हमने इन पदों पर नियुक्त किया। आगे जाकर जो पार्टी की पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, हरियाणा के जनमानस के हित के लिए जो जननायक जनता पार्टी और आदरणीय हमारे नेता उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जिस दिशा में काम कर रहे हैं, उनकी सोच को, उनके विचार को और पार्टी की पॉलिसीज को जन जन तक ले जाने के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। सदस्यता अभियान में हमारी तरफ से फरीदाबाद में हम लोग 20,000 का टारगेट हम लोग अचीव करके हम लोग 20,000 का टारगेट अचीव करके हम लोग पार्टी को दिए।